हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम यतीन शर्मा वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू माय चैनल टॉयलेसम ट्यूटोरियल्स YSMC। दिस इज अवर थर्ड वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम। दिस वीडियो आल्सो यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CACMA एग्जाम, बिकॉज दिस वीडियो ऑन द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो this video also useful for the students who are preparing for IITJ exam, particularly GMAIN exam. As you know, most of the exams pattern nowadays is objective type pattern. So this video is very helpful for the students who are preparing for the exams like as NDA exam, MCA entrance exam, IITJ exam, GMAIN exam or TGT, PGT exams and many other exams in which 12th level mathematics asked. Okay. इससे पहले भी मैंने दो वीडियो कैट एग्जाम के लिए बनाई थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थी और एक थी उस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, ठीक है। तो मैंने जो है ट्रिक्स से बताए थे क्वेश्चंस को कि ट्रिक्स से किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर आपके सामने आया हूं। कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह का है, जैसे अगर हमें दे रखा है अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है अंडर रूट के अंदर, तो ये कब डिफाइन होगा? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर डिफाइन होगा, यानी रूट के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह से ये अगर वन अपॉन एफ एक्स है रूट में, तो ये कब डिफाइन होगा? एफ एक्स अब नीचे जीरो नहीं हो सकता, तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो पे डिफाइन होगा, ठीक है। एक कंसेप्ट ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि ए लेस देन बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो और a क्या है, b से छोटा है, तो इसका मतलब होता है कि x lies between a and b, और इसे हम इजी वे में ये कह सकते हैं x belongs to closed interval a b। तो जब ये दोनों साइन आएंगे, इक्वल टू का भी आएगा, तो कैसा इंटरवल लगता है? क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल का साइन है। अगर ये x minus a, x minus b सिर्फ लेस देन जीरो होता तब क्लोज इंटरवल नहीं लगता, तब ये क्या होता, x lies between a b और इस केस में x belongs to open interval a b, ये open interval का साइन होता है। पिछले वीडियो में मैंने डिफाइन किया पूरी तरह से क्लोज इंटरवेल और ओपन इंटरवेल को, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, फंक्शन का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर यही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, यानी x माइनस a, x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आइदर x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन इक्वल टू b ये लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, a से छोटा, तो माइनस इन्फिनेटिव से लेके a तक इस पे दोनों साइन लगे हुए हैं, तो क्लोज्ड, इन्फिनेटिव पे हमेशा ओपन इंटरवल, और के लिए यूनियन, और ये b टू इन्फिनेटिव ये हो जाएगा, इस तरह से वो करेंगे। इसी तरह से एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, या इसे हम लिख सकते हैं मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड ए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड ए, तो इसका मतलब भी यही होगा, एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए से प्लस ए, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए। एक और वो देखिए, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर या मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए, ये है,
तब ये होगा x लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटिव। तो ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। अब किस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व लेस देन इक्वल टू जीरो। एक्स की किन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है इसके फैक्टर करें तो फैक्टर क्या आएंगे, वन और टू, और इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर आएंगे थ्री एंड फोर। तो ये मिल गए हमको। अब इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, मिडिल में क्या होता है, मिडिल में होता है जीरो। तो वन टू थ्री फोर, मान लीजिए वन यहां लाई कर रहा है, टू यहां लाई कर रहा है, थ्री यहां लाई कर रहा है, फोर यहां लाई कर रहा है। तो कितने इंटरवल मिले, माइनस इन्फिनेटिव से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर और फोर से इन्फिनेटिव, ये इंटरवल्स हमको मिले। अब हमें क्या करना है कि किसी भी एक इंटरवेल में इसकी वैल्यू चेक कर लें। तो देखिए सबसे इजी इस वाले इंटरवेल में निकालनी होगी, क्योंकि माइनस इन्फिनेटिव से वन दे रखा है तो इसमें जीरो भी लाई करेगा, और एक्स इक्वल टू जीरो अगर मैं इसमें रख दूं, एक्स इक्वल टू जीरो इसमें रख दूं तो टू अपॉन ट्वेल्व यानी पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है हमको, क्योंकि वैल्यू हमने इस इंटरवेल में निकाली है और इसमें कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव का साइन लगा लेंगे, इसके बाद अल्टरनेट साइन लगाएंगे। तो इस इंटरवल में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, ये साइन हम लगा लेंगे। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा था, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव किस किस में आ रही है, वन और टू में आ रही है और थ्री और फोर में आ रही है, ठीक है। अब हम मेन क्या देखेंगे कि यहां इक्वल टू साइन भी लगा हुआ है, तो क्लोज इंटरवल हमें किस पे लगाना है, जो ऊपर वाले के फैक्टर होंगे। ऊपर वाले के फैक्टर क्या है, वन और टू, तो वन और टू पे तो लगेगा क्लोज्ड, और थ्री और फोर को हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर वो ले लेंगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इन पे लगेगा ओपन इंटरवल, बीच में लगा देंगे यूनियन। तो ये आंसर होगा, यानी एक्स की इन वैल्यूज के लिए इस इंटरवेल में ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो नोट करिए इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कह रहा है, ठीक है। तो जब दोनों साइन आते हैं, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि कहां पर क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, कहां ओपन इंटरवल।
लेकिन अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं आए तो हमेशा क्या लगाएंगे, सभी पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल का साइन लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसके फैक्टर करें हमने ऊपर वाले के कितने हो जाएंगे, 2 और 5, और नीचे वाले के फैक्टर क्या होंगे, 4 और 6, ये फैक्टर हुए। इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, मान लीजिए 2 यहां आ रहा है, 2 के बाद 4 यहां पर, 5 यहां और 6 यहां, ये हो गए। इस इंटरवल में 0 लाई कर रहा है तो 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लें एट एक्स इक्वल टू 0, यानी इसमें एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए तो क्या मिलेगा, 10/24, ये कैसा है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। दूसरे वाले में अल्टरनेटली साइन लगाते हैं, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, तो हमें कौन कौन से इंटरवल मिले, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वाले लेने हैं, एक तो माइनस इन्फिनेटिव से 2, एक मिला 4 से 5 और एक मिला 6 से इन्फिनेटिव, ये मिले, ठीक है। अब इन पर साइन लगाने हैं, तो बताया ऊपर वाले के जो फैक्टर है उन पे लगेगा क्लोज्ड इंटरवल, ऊपर वाले के फैक्टर है 2 और 5, तो 2 पे क्लोज्ड और 5 पे क्लोज्ड, बाकी सब पर ओपन, तो ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, बीच में यूनियन का साइन लगा देंगे, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा इसका, ठीक है। नोट करिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x 35 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 लेस देन 0, ये कह रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऊपर वाले के फैक्टर हमें मिले 5, 7 और नीचे वाले के फैक्टर मिले हमको, रिमाइंडर थ्योरम से कर देंगे तो 1, 2 और 3, ये फैक्टर मिलेंगे, क्यूब में था तो 3 वो होंगे। यहां देखिए मैं एक चीज और बता दूं कि रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है निकालने में, इसके लिए एक ट्रिक और है इसके फैक्टर निकालने की, कि एक तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिस पे ये 0 हो रहा हो, तो अगर हम वन रखते हैं यहां तो 1 माइनस 6 प्लस 11 तो 12 और माइनस 12, तो 1 पे 0 हो रहा है तो एक फैक्टर तो क्या हो गया, 1 हो गया इसका। अदर फैक्टर निकालने के लिए हम एक ये मेथड यूज करते हैं, यानी 1 पे 0 हो रहा है तो वो तो रख लिया यहां, अब इनके कोफिशेंट, एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट -6, एक्स का कोफिशेंट 11 और कांस्टेंट -6, तो इस इक्वेशन में जितने भी कोफिशेंट थे वो हमने रख लिए, ठीक है। फर्स्ट के नीचे 0 रखेंगे, ऐड कर देंगे 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नेक्स्ट के नीचे रख देंगे, फिर से ऐड कर दें, कितना मिला -5, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें फिर इसके नीचे रख दें तो कितना मिला 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें फिर इसके नीचे रख दें तो लास्ट वाला 0 हो जाएगा। तो अब ये जो निकल के आए, ये एक्स स्क्वायर का, ये एक्स का और ये कांस्टेंट, ये मिला हमें, तो ये रिड्यूस हो गई थर्ड डिग्री से सेकेंड डिग्री में, इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 2 और 3 आएंगे और 1 यहां से आया था तो 1, 2, 3 फैक्टर हमें इसके मिल गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है फैक्टर करने के लिए, तो इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये था क्वेश्चन हमारा, तो ऊपर वाले के फैक्टर और नीचे वाले के फैक्टर किए, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव,
फैक्टर है 1, 2, 3, 5, 7, तो इस पे ड्रॉ कर लीजिए 1, 2, 3, 5 और 7 ये है। तो ये देखिए इस वाले इंटरवल में जीरो लाई कर रहा है, तो जीरो पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ऊपर 35 बचेगा और नीचे बचेगा माइनस का 6, तो ये वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई, लेस देन जीरो, माइनस आ रहा है, तो इसमें कैसा होगा, नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, ये हो गया। लेना था हमें, अब यहां इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो सभी पे कैसा साइन लगेगा ओपन इंटरवल का, तो माइनस इंफिनिटिव से 1, यूनियन 2 से 3, यूनियन 5 से 7, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। अभी देखिए हमने जो क्वेश्चंस बताए उन सभी में क्या था, इसके और इसके फैक्टर यानी न्यूमरेटर के फैक्टर और डिनोमिनेटर के फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं था। अब क्वेश्चन वैसे बताते हैं कि जिसमें कम से कम एक फैक्टर कॉमन हो, तो उन्हें क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे उन्हें देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से करें। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0, ये है क्वेश्चन। तो ऊपर वाले के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, और नीचे वाले के फैक्टर 2, 3, ये हुए। तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 इसका भी फैक्टर है और 2 इसका भी फैक्टर है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे हम, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव, और ये फैक्टर 1, 2 और 3 वही करेंगे। सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 पे, यानी इस इंटरवल में चेक कर लें, 0 लाई करेगा इसमें, तो 0 रखेंगे तो 2/6 मिलेगा और वो क्या है, ग्रेटर देन 0, तो यहां तो मिला पॉजिटिव, यहां मिला नेगेटिव, कॉमन फैक्टर क्या था 2। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर होगा उस कॉमन फैक्टर के दोनों साइड सेम साइन होगा, तो 2 से इधर पॉजिटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन है, तो इधर भी नेगेटिव साइन होगा, और ये फिर अल्टरनेट चलेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसके दोनों साइड सेम साइन होगा। तो ये पूछ रहा था लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ये वाला हुआ। अब देखिए इसे डायरेक्ट 1, 2, 3 लिख दें या 1, 2, 2 और 2 से 3 लिखें, डायरेक्ट 1 से 3 नहीं लिख सकते, डायरेक्ट 1 से 3 लिखेंगे तो उसमें क्या हो गया, 2 इंक्लूड हो गया, और 2 दोनों का फैक्टर है, तो नीचे भी 0 हो जाएगा ऊपर भी 0 हो जाएगा 2 रखने पर, इसलिए हमें क्या करना होगा, 1 से 2 और 2 से 3 के इंटरवल बनाने होंगे। 1 से 2, 1 ऊपर वाले का फैक्टर है तो इस पे तो क्लोज्ड लगेगा, बाकी सब पे ओपन लगेगा, और बीच में यूनियन, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।